नईम कासिम के नया चीफ बनने के बाद से ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मिलिट्री ने बताया है कि लबनान की तरफ से इसराइल के दक्षिणी इलाके में करीब 50 रॉकेट्स दागे गए हैं। इनमें से कुछ को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है, जबकि कुछ रॉकेट्स इलाके में गिरे हैं। इनमें काफी घरों को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स की भी मौत हो गई है। दरअसल इसराइल एक के बाद एक हिजबुल्ला के बड़े नेताओं को ढेर करते जा रहा है। इसे माना जा रहा था कि हिजबुल्ला कमजोर पड़ेगा, लेकिन वो लगातार इसराइल पर हमले भी कर रहा है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह का खात्मा हुआ। इसके बाद उनके भाई हाशिम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इसराइल ने कुछ दिनों में सिद्दीकी का भी खेल खत्म कर दिया। अब मंगलवार को हिजबुल्ला ने अपने डिप्टी नईम कासिम को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया है। कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर धावा बोला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हिजबुल्ला ने अकेले नहीं बल्कि यमन के हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इसराइल को निशाना बनाया है। उत्तर में हिजबुल्ला तो दक्षिण में हूतियों ने इसराइली शहरों पर बमबारी की। बता दें कि हिजबुल्ला, हमास और हूती सभी को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्ला ने इसराइली शहरों पर कम से कम 50 रॉकेट्स छोड़े। हूती विद्रोहियों ने यमन से इतने ही मिसाइलें छोड़ी हैं। इसराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम यानी MDA ने मंगलवार को बताया कि लेबनान से हिजबुल्ला द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार नहरिया शहर में गिरी। इस हमले में कम से कम एक की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि बमबारी में लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा कि हमलों के बाद शहर की कई इमारतों और इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना अभी भी हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रही है। MDA ने कहा कि घटनास्थल पर कई लोग बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घातक हमला मंगलवार की सुबह लेबनान और यमन दोनों तरफ से इजरायली शहरों पर किया गया। हमलों का निशाना उत्तरी और दक्षिणी इसराइल के नहरिया और अशकलोन शहर पर था। सुबह करीब 7 बजे दक्षिणी तटीय शहर अशकलोन में यमन से ड्रोन हमले हुए। हमलों के साथ ही शहरों में सायरन बजने लगे। IDF ने अनुमान लगाया है कि विस्फोटक ड्रोन यमन से लॉन्च किया गया था। हालांकि हूती विद्रोहियों ने हमले की तुरंत जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आगजनी और इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। IDF इस बात की जांच कर रहा है कि वो ड्रोन को मार गिराने में क्यों विफल रहा। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने पिछले साल से इसराइल पर 220 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिनमें से अधिकतर इसराइल के दक्षिणी शहर इलाद की ओर दागे गए हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे ये हमले गाजा में फिलिस्तीनियों पर इसराइली सेना द्वारा किए जा रहे जुल्म के प्रतिशोध में किए हैं। इसराइल पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इसराइली सेना ने कहा है कि लेबनान में उसका टारगेट अचीव हो चुका है। उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्ला आतंकी समूह के सारे ढांचे और हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। अब इसराइली सरकार चाहे तो वो इस संघर्ष को बंद करने या रोकने के लिए कूटनीतिक दरवाजे खोल सकती है, एक नई शुरुआत कर सकती है।